ये तो मुंह के सामने से निवाला छीनने वाली बात हो गई। शिक्षक अभ्यर्थी खास करके एसटीटी वालों के मुंह के सामने से निवाला छीन लिया गया है, मेरिट लिस्ट बना दी गई और उसके बाद कहा गया कि नहीं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि कुछ राजनीतिक दल के प्रवक्ता नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता पर कटाक्ष कर रहे हैं। अरे न शिक्षक है न इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा। विधानसभा का हम लोग घेराव का घोषणा कर देंगे, सड़क पर और सदन में दोनों जगह मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं अमित विक्रम जी, हाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं टीटी शिक्षक संघ के। आप तो कह रहे थे कि कोई फॉर्म नहीं भरेगा, तो ये कौन से लोग हैं जो फॉर्म भर रहे हैं? क्योंकि आंकड़ा आने लगा है कि फॉर्म जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो फॉर्म भर रहे हैं। आपने तो कहा था कि कोई नहीं भरेगा। देखिए, शिक्षक नहीं भर रहे हैं फॉर्म, ये स्पष्ट है, और किसी भी जिले में कहीं से कोई शिक्षक फॉर्म नहीं भर रहे हैं। कुछ अगर भूलवश भर भी दिया होगा किसी ने, तो उन तक संदेश पहुंच रहा है। आज सारे अखबारों में भी न्यूज छपा है कि टीटी शिक्षक संघ ने बहिष्कार कर दिया है, तो आपके माध्यम से भी संदेश जा रहा है। तो शिक्षक फॉर्म नहीं भर रहे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नौकरी के लिए बहुत बेचैन है, बहुत व्याकुल है, बरसों से तैयारी। वो अभ्यर्थी नहीं है जो 5 साल लाठी खाए, 4 साल लाठी खाए? जी नहीं, वो तो एसटीईटी वाले सारे विरोध कर रहे हैं। हाँ। वो लोग भी फॉर्म नहीं भर रहे हैं। उनका साफ कहना कि कितनी बार हम परीक्षा दें, कितनी बार मेरिट लिस्ट। विज्ञापन की बात करते हैं हमेशा वो। बिल्कुल, विज्ञापन में उनका निकला था कि एसटीईटी परीक्षा पास करेंगे नौकरी मिलेगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक और परीक्षा दीजिए। ये तो मुंह के सामने से निवाला छीनने वाली बात हो गई है। मुंह से निवाला छीना जा रहा है शिक्षक से और शिक्षक अभ्यर्थियों से भी। शिक्षक अभ्यर्थी खास करके एसटीईटी वालों के मुंह के सामने से निवाला छीन लिया गया है, मेरिट लिस्ट बना दी गई और उसके बाद कहा गया कि नहीं उस पर नौकरी होगी। बारात आ गया, उसके बाद बोला गया कि जाओ। बारात आ गया और द्वार लग गया, दुल्हन का पता ही नहीं। दुल्हन को गायब है, कहा गया फिर से बारात लेके आइए, फिर से आइए। ऐसी बेइज्जती हुई है उनकी, इतना अपमान हो एसटीटी, इतना अपमान हो। बताइए कि आपका मामला कहां तक पहुंचा है, आपने केस किया था, कहां तक पहुंचा? देखिए, केस तो अब कोर्ट खुलेगा सोमवार को, केस में आएगा ही, और इसके साथ साथ हमारी जो लड़ाई है सड़क पे वो भी चल रही है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि कुछ राजनीतिक दल के प्रवक्ता नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता पर कटाक्ष कर रहे हैं। वो कल एक मैं सुन रहा था इंटरव्यू, कह रहे थे कि नियोजित शिक्षक अपने बच्चों को स्वयं विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। हाँ। तो मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। हाँ। जो आंकड़े रखे मैं जी मेरे पास आंकड़ा है, और ये बिहार सरकार की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजा है कि मात्र 19.14 मध्य विद्यालयों, इतने प्रतिशत मध्य विद्यालयों में सभी विषयों के शिक्षक हैं, और छात्र शिक्षक अनुपात देखिए, भाषा के लिए 112 छात्र पर एक शिक्षक है, विज्ञान के लिए 150 छात्र पर एक शिक्षक है, और सामाजिक विज्ञान के लिए तो 204 छात्र पर एक। बच्चे इतने शिक्षक हैं ही नहीं। बिल्कुल, जबकि रेशियो होना चाहिए कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक का, यहाँ है 200, 150, 112 शिक्षक पर। और हाई स्कूल की बात देखिए, हाई स्कूल में तो और बुरी स्थिति है, 192 छात्रों पर भाषा के एक शिक्षक है, 391 गणित के छात्रों पर एक शिक्षक है। दो एक शिक्षक पढ़ाते कैसे इतने बच्चों को? वही सोचना चाहिए। वो जो कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं विद्यालय में, अरे न शिक्षक है न इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा? और अगर शिक्षक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन है? इतना आपको मैंने दिखाया कि छात्र शिक्षक अनुपात इतना कम है, इसके लिए कौन दोषी है? 2019 में एसटीटी परीक्षा हुई थी, आज तक उनका ज्वाइनिंग नहीं। अभ्यर्थियों की आवाज उठा रहे हैं शिक्षक होने के नाते आप? बिल्कुल, अभ्यर्थी हमारे भाई हैं, और कल वो ज्वाइन करके हमारे साथ विद्यालय में कार्य कर। उतरने की बात हो रही है लगातार, कब उतरने वाले हैं? मानसून सत्र की घोषणा जैसे ही कैबिनेट से होती है, जो संभावित 10 से 14 की बात हो रही है, अभी कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिली है, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी मानसून सत्र की, विधानसभा का हम लोग घेराव का घोषणा कर देंगे, सड़क पर और सदन में दोनों जगह मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। सड़क और सदन दोनों जगह? बिल्कुल, सड़क पर लड़ेंगे। फिर चलेगी लाठी चले कि वाटर कैनन चले, डरने वाले नहीं है हम लोग, जेल से नहीं डरते हैं। कितने दिन जेल में हमें रख लेंगे? हम न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं, अपने हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले हैं। बहुत लोग हमें मिले, सब लोग कह रहे थे कि सिर्फ बात हो रहा है, फॉर्म सब भर रहे, तो आप कह रहे हैं कि जो रोजगार की तलाश में वो फॉर्म भर रहे हैं? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे जो बेरोजगार अभ्यर्थी वो हताशा में है, निराशा में है, तो भर दे रहे हैं। और आप देखिए ना, 2 दिन में मात्र 1500 फॉर्म भराया है जी, तो इस हिसाब से 1500 1500 फॉर्म, 30 दिन का समय है, 28 दिन का समय, कितना भराएगा? 50-60 हजार फॉर्म भराएगा, लाखों बच्चे हैं, 3 लाख बच्चे हैं, लाखों शिक्षक हैं, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, 4 लाख शिक्षक हैं। आप स्वयं देखिएगा ना अंत में कितना फॉर्म भराता है, और उसमें अगर सरकार अलग आंकड़ा करके देती है शिक्षकों का, तो खुद दूध का दूध पानी का पानी। आपका डिमांड है कि जैसा था वैसा चलने दे, जो अभ्यर्थी है उनको जॉब मिले, जो अभ्यर्थी है उनको पुरानी व्यवस्था से जॉब मिले, एसटीईटी वालों को जो वादा किया था वो पूरा किया जाए, और जो शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी के पद पर अपग्रेड किया जाए। चलिए देखिए, टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, अमित विक्रम नाम है, और साफ कह दिए कि देखिए 2 दिन हो गए ना,
कितने लोग फॉर्म भरे, और उनका यह भी कहना है कि शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर रहे, ना तो शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो तैयारी करते हैं पहले पहली बार और रोजगार की तलाश में रहते हैं, वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। और प्रवक्ता नेता के बारे में भी बोले हैं कि वो लोग जो लोग कहते हैं कि हम पढ़ाते नहीं हैं, पहले शिक्षक तो लाइए, इतने सारे बच्चों पर बस एक शिक्षक कैसे करेंगे। और ये भी बोल दिए कि विधानसभा घेरेंगे, सदन से लेकर सड़क तक भर देंगे, मॉनसून का इंतजार हो रहा है और अभी भी जिद पे अड़े हैं कि कुछ भी हो जाए फॉर्म नहीं भरेंगे। क्या कुछ कहना था अमित विक्रम का, आपने वो सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें, धन्यवाद।